खबर शामिल करते हैं बांदी से, जहां सिंध के दीगर शहरों की तरह बांदी शहर में भी सनती सकाफत के मौके पर जिसकम एसटीपी एसयूपी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने सिंधी टोपी और अजरक जेब तन करके सिंधी गीतों और ढोलक की थाप पर रक्स किया, जबकि रैली में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे भी अजरक टोपी पहनकर शरीक हुए। मजीद जानते हैं रिजवान अली रहमानी से। जी रिजवान अली जी, बिल्कुल सिंध टोपी अजरक सकाफती डे के मौके पर नौजवानों का कल्चर डे रैली पर फूलों की बरसात, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे भी अजरक टोपी पहनकर शरीक। तफसीलात के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों की तरह बांदी शहर में भी सिंध सकाफत के मौके पर जिसकम एसटीपी एसयूपी समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों और शहरियों की जानब से रैली निकाली गई। शहरियों ने सिंध टोपी और अजरक जेब तन करके सिंध गीतों और ढोलक की थाप पर रक्स किया। सकाफती रैली सुपर जमाली रेस्टोरेंट से शुरू हुई, जो मेहरान हाईवे, रहमानाबाद चेक पोस्ट, रेलवे फाटक रोड, हुसैनी चौक, स्टेशन चौक, दाता चौक से होती हुई अवामी प्रेस क्लब पहुंची, जहां कौम परस्त रहनुमाओं अली खान खाशकली समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की सकाफत हज़ारों साल कदीम है, जिस नौजवानों में अजरक करने और शऊर पैदा करने के लिए हर साल ईद की तरह जोश व खरोश के साथ मनाकर खुशी का इजहार किया जाता है। इनका कहना था कि यौम सकाफत के मौके पर सिंध के बाशऊर लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम जैसी जेरों से आरास्ता करके में कोई किसी बाकी ना छोड़े जाए। बहुत शुक्रिया तफसीला से आगाह करने का।